हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो है त्रिपुरा की डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। त्रिपुरा में कितनी तरह की कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनके बारे में जो भी जो है इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में बताई गई है। तो देखते हैं क्या है और कितनी तरह की ट्राइब्स हैं। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इसमें 19 कम्युनिटीज़ की जो है बात की गई है, जिसमें से बहुत सारे हैं। बाकी हम वीडियो को चलो शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपके टाइम से पहुंचाते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 कॉपी एंड डिस्क्लेमर। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज। त्रिपुरा हैज रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज। दीस कम्युनिटीज आर त्रिपुरी। अरे वाह, पहली कम्युनिटी का नाम है त्रिपुरी। पूरे स्टेट में मिलते हैं, मतलब इनके नाम भी पूरे स्टेट का नाम है। दूसरे हैं रियांग, इनकी 188,000 अराउंड की इनकी पॉपुलेशन है। लोकेटेड ये भी पूरे के पूरे स्टेट में मिलते हैं। मैं अभी बहुत सिंगर्स के नाम भी रियांग है, अमिता रियांग, अभिपाशा रियांग। सो गया यार, अच्छा म्यूजिक अच्छा है। जमातिया युवा जमात। ओके ओके, तो वो रहते हैं वेस्ट एंड गोमती डिस्ट्रिक्ट में, तब उनका घर भी वही हो। नोएडा 14,000। कलर का डिफरेंस है, मेन इन साउथ ट्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड थोड़ा है। मेन इन अमरपुर एंड बेलोनिया सब डिविजन। वैसे मैंने देखा है कि ड्रेसेस सबके सेम ही है, बस कलर्स 79,800 थोड़ी अलग है, ऐसे सब कुछ सेम है, बस कलर्स थोड़ा फर्क है। हर ट्राइब का कोई अपना कलर है क्या? दुशाई थोड़े अलग है, मोस्टली डिसाइड इन जंपू हिल्स। कुकी 10,965। हलाम, मैंने एक वीडियो करी है, इसी ट्राइब के एक सिंगर है। मुंडा 14,000। ओके, ये सबसे अलग है। ये ट्राइब बिल्कुल ही मतलब अलग थी। संताल 2,913।
3000। अंकित पूरन ऑफ पेलोनिया मगन बगार ऑफ हवाए भूटिया 28 बस। Few families reside at the border of Mizoram। ओके ये जीव थोड़े अलग से जेमाल 549 इतनी कम पॉपुलेशन। अम्बासा ऑफ धलाई डिस्ट्रिक्ट गारो 952। इनका एक सॉन्ग किया है, एक सिंगर है उनका एक सॉन्ग किया है, ये नाम सुने हैं। यार त्रिपुरा तो बहुत डाइवर्स है यार। खशिया खशिया लेप्चा 157 उस टाइप की भाई पॉपुलेशन कितनी कम है। मोस्टली डिसाइड इन धलाई डिस्ट्रिक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सही में मेरे को तो आज सही में बहुत नई मतलब इंफॉर्मेशन मिली। उस टाइप की जो है पॉपुलेशन कितनी कम है। एक तो बीच में टाइप आई थी उसको 28 थे बस, और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग अगर बात करूँ तो नंबर्स में सबसे ज़्यादा थे कौन से टाइप थी वो त्रिपुरी 5,92,255 2011 के सेंसस के। आई थिंक यही जो है सबसे ज़्यादा हैं या फिर जमातियाँ हैं। किधर गए वैसे तो मुझे पूरी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। रियांग जो है वो करीब 2 लाख के आसपास है और जमातियाँ 83 हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है त्रिपुरी है, तभी उनके नाम पे पूरी की पूरी स्टेट है त्रिपुरा त्रिपुरी। बहुत से लोग बोलते हैं कि त्रिपुरी लैंग्वेज है, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि पूरे स्टेट का नाम भी जो है मतलब उन पे है। और जो शुरू के जो आई थी आई थिंक जो है 5-6 आई थी वो जमातिया के बाद, मतलब शुरू की जो 4-5 कम्युनिटी थी उनकी ड्रेसेस वगैरह काफ़ी सेम थी, बस कलर्स में और डिज़ाइंस में था फ़र्क। पर बीच में जो आई थी कम्युनिटी वो आई थिंक मुंडा कम्युनिटी से, वो तो बहुत ही अलग है यार। सही में मुझे नहीं पता था कि मतलब उनका अपीयरेंस भी जो है वो बाकी जो है वो जो शुरू की थी ना कम्युनिटी 4-5 उनसे बहुत ही अलग था। और मुंडा ट्राइब आई थिंक झारखंड में भी है, हमारे वहाँ पर एक बड़े ही रिस्पेक्टफुल एक पर्सनालिटी थे बिरसा मुंडा, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है वो झारखंड में। और तो मेरे ख्याल से मुंडा जो ट्राइब है वो वहाँ पर भी होती है, आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी होती है। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे उतना नहीं है क्योंकि उनके नाम के आगे भी मुंडा लगता है और मैंने सुना भी है, तो शायद हो सकता है भाई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ज्यूम कर रहा हूँ। और उनकी अपीयरेंस भी जो है बहुत अलग थी ये जमातिया रियांग चकमा इनसे। तो मुझे लगता है, देखो अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है मुझे कुछ नहीं पता मैं त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये जो मुंडा ट्राइब हैं वो हज़ारों सालों से त्रिपुरा में ही मतलब रहते थे या फिर ये किसी और स्टेट से जो है माइग्रेट होकर त्रिपुरा में आए हैं। अब वैसे जो भी है जान के बहुत सही लगा कि त्रिपुरा में भी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है
कितने अलग अलग तरह के लोग हैं भाई सही में। और कुछ तो कितने ही कम है, 28। मैं सोच रहा हूँ जिनकी कम्युनिटी ही, मतलब कौन सी थी वो, पता नहीं कौन सी थी, जिनका नंबर जो है वो सिर्फ 28 था। भील भूटिया, भूटिया, ये जो भूटिया कम्युनिटी के लोग हैं ये आपस में शादी कैसे करते होंगे यार? मतलब अगर इनके यहाँ वो कुछ हो कि भाई नहीं अपनी कम्युनिटी में ही शादी करनी है तो बहुत मुश्किल ही होता होगा यार, सिर्फ 28 पॉपुलेशन है, इतनी कम, मतलब इतनी कम बची है क्या? या फिर ये भूटिया नाम है और इनकी अपीयरेंस भी जो है वो कुछ कुछ भूटान जैसी है। मतलब भूटान या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो भूटान और लद्दाख जैसे हैं। लद्दाख तो त्रिपुरा से बहुत दूर है, तो क्या मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसे, मतलब वो एक तरह का ख्याल आ रहा है, क्या ये जो कम्युनिटी है भूटान से माइग्रेट होकर त्रिपुरा में आई है? क्योंकि इनका कपड़े वगैरह जो है ना वो कुछ वैसे ही हैं। बाकी आप बताना क्या है। और सही में मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा, और मुझे मालूम पड़ा कि त्रिपुरा में भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जिनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत अलग है, ये जो है जमातिया वगैरह से, जमातिया हो गए और रियांग हो गए, त्रिपुरी हो गए इनसे। सो छोटा सा हिस्सा मुझे मालूम पड़ा त्रिपुरा की बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी के बारे में, और अच्छी वीडियो थी सही में। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और ऐसी ही वीडियो मुझे जो है रिकमेंड करते रहिए, ताकि मैं और जानूं पूरे नॉर्थ ईस्ट और जो है आपके त्रिपुरा के बारे में। अगर आप जो है त्रिपुरी हैं, अगर आप मणिपुर से हैं तो मुझे अपने स्टेट के जो है रिलेटेड वीडियो भेजिए, अगर आप मिजोरम के हैं, मेघालय के हैं, जो भी आपके स्टेट है भेजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।